आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में, मैं हूँ समीम अहमद सैफी और आप देख रहे हैं आपकी अपनी क्लास समीम सर की क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th बोर्ड के लिए जो हर साल बोर्ड में आता है। आज का क्वेश्चन है हमारा पादप हार्मोन क्या होते हैं या पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। देखिए बड़े ही सरल भाषा में हमने जो है इसकी जो डेफिनेशन बनाई है, क्या है, पौधे के तनों और जड़ों के शीर्ष भागों पर संश्लेषित होने वाले रसायनों को पादप हार्मोन कहते हैं। बहुत ही आसान है, पौधे के तनों और जड़ों के शीर्ष भागों पर संश्लेषित होने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीन और एथिलीन आदि। अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि पौधे में वृद्धि के कारक किसी एक हार्मोन का नाम लिखे। पौधा जो बड़ा होता है वो ऑक्सीन हार्मोन की वजह से होता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन अलग से आता है, पौधे में वृद्धि के कारक किसी एक हार्मोन का नाम लिखे, तो आप लिख देंगे ऑक्सीन। तो समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन था हमारा, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे पादप हार्मोन, फिर इसमें लिखेंगे पौधे के तनों और जड़ों के शीर्ष भागों में संश्लेषित होने वाले रसायनों को पादप हार्मोन कहते हैं, उदाहरण ऑक्सीन एथिलीन आदि। एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, पौधे में वृद्धि का कारक या एक ऐसे हार्मोन का नाम लिखिए जिसके कारण पौधे में वृद्धि होती है। देखिए पादप माने होता पौधा, तो हम लिख देंगे ऑक्सीन। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं था समीम अहमद सैफी और आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत। कितने जीवन बिखर गए बदली ना पर सोच, सबसे भारी बोझ है हरित उदर का बोझ। आदमी अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए न जाने कितने दूसरे आदमी की ज़िंदगी को दांव पर लगा देता है, और वे यह सब जानते हुए भी इस पापी पेट के लिए ये सब स्वीकार कर लेते हैं। यही जीवन की सच्चाई है, यही वास्तविकता है। कितने जीवन बिखर गए पर ना बदली सोच, सबसे भारी बोझ है हरित उदर का बोझ। सबसे भारी बोझ जो है इस पेट का है।